वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हाई, माई नेम इज़ तरन एंड आप देखने जा रहे हो मेरी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। सो जो भी मैं थोड़ी बहुत पहले आपको पुरानी क्लिप्स बताती हूँ, लाइक मेरा प्लान बहुत ही लेट बना था कैनेडा मूव होने का, एंड वो सारी तैयारी मैंने की है जो वो आपको मेरे पहले व्लॉग्स में दिख जाएगी। पैकिंग का व्लॉग अलग आएगा एंड बाकी सारी आपको मैं पता नहीं कैसे इस व्लॉग को एडिट करूँगी। सो आप पहले मेरा इंडिया का देख लो थोड़ा बहुत, वहाँ से पैकिंग हुई, हमारा घर भी छोड़ना पड़ा एंड हम मूव हुए दुबई में। अब मैं दुबई से जा रही हूँ कैनेडा। सो रहते तो हम इंडिया में थे, तो ये जर्नी मेरी इंडिया टू कैनेडा है। यहाँ पे तो मैम हमें टिकट यहाँ से सस्ती मिल रही थी, तो यहाँ पे आ गया क्योंकि मेरे पापा भी यहीं पे रहते हैं, तो हमारे लिए इजी था यहाँ से जाना क्योंकि मम्मी भी हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सो पूरी फैमिली उथल पुथल हो गई। सो मेरी सिस्टर पहले ही कनाडा मूव हो गई है, आपने देखी होगी वो वाली वीडियो भी। सो उसका कॉलेज सस्कैचवन में है, तो वो सस्कैचवन गई है, और मेरा कॉलेज टोरंटो में है, तो मुझे अलग मूव होना पड़ेगा एंड आई हैव टू लिव अलोन। सो दिस जर्नी इज गोना बी अलोन, लाइक पूरा सब कुछ मैं खुद करने वाली हूँ। मैं एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे सब कुछ हैंडल करूँ। नेगेटिव को हटा के सिर्फ पॉजिटिव लेके जा रही हूँ। सो आज है मेरी फ्लाइट, रात के 12 बजे के बाद है, मतलब 12:55 पे है। सो अभी पैकिंग सारी डन हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पैक किया है। सारी पैकिंग हो गया डन। एक मैंने लैपटॉप बैग लिया है, एक ऐसे वाला हैंड में पकड़ने वाला जो पर्स है जिनका वेट नहीं मतलब काउंट होगा, एक लिफाफे में खाने का लिया है, ये है मेरा हैंड बैग, और ये तो 23-23 किलो वाले, और जो निकाला है दो मैंने सूट निकाल दिए अपनी, ये डायरी निकाल दी है, एक ट्राउज़र और एक और लेगिंग और पजामा, मतलब ये सारा सामान निकालना पड़ा है। पुराने बैग में निकाल के रख दिया है, बैग्स ऑलरेडी हैं हमारे, जो मेरा पर्स है इसमें टिफिन में मैं खाना लेके जाऊंगी। यस गुड, पैकिंग इज डन। पता नहीं क्यों नर्वसनेस आ रही है। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मुझे जो भी मिला, मेरे सिस्टर के शूज़ पड़े थे, उसकी जीन, पापा की टॉप, मम्मी का पर्स, सो रेडी हो गई हूँ मैं। अब हम जा रहे हैं मार्केट, आखिरी टाइम हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने, लेट्स गो। बोलो मम्मी आपको कैसा लग रहा है, मैं जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कैसा लग रहा है? मम्मी बहुत खुश है ना? No means. I will miss this place. अभी लास्ट टाइम पिज्जा खाते हैं, इंजॉय करते हैं पिज्जा में, बहुत ही अजीब लग रहे हैं। अभी ऑर्डर देने जाती हूँ मैं, मेरे पास कूपन है, सो 30 का 15 का पड़ेगा। गार्डन स्पेशल, यू आर जस्ट रनिंग अराउंड एंड मम्मी को ये चाहिए, आई डोंट नो, एक ही चीज बस ऐसे घूमते घूमते, तो उनका नाम बाय दिस। मार्केट से आके हम बस सो रहे थे, सोने मतलब मैं ऐसे ही पड़ी हुई थी, बट नींद नहीं आ रही थी क्योंकि नर्वसनेस हो रही है। सो अभी सेवियाँ खाते हैं, फिर हम निकलेंगे, तैयार होएंगे, निकलेंगे घर से एयरपोर्ट के लिए। सो ये रही यहाँ की किचन, बहुत ही क्यूट सी है, ये ऑलरेडी बनी हुई थी, बस मैंने दूध डाला है इनमें, सारा कुछ हो गया है डन। मैं पागल लग रही हूँ, सो गई थी, मैंने ऊपर चाय भी गिरा लिया है, चाय पी के अभी निकलने वाले हैं घर से। मैं अपने बैग्स को अभी लॉक लगाने वाली हूँ
एंड आई डोंट नो, मैं पूरी पागल बनी हुई हूँ इस व्लॉग में एंड बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा. लाइक अब ये पंगा ले लिया है तो कंप्लीट करना पड़ेगा. बैग्स को लॉक लगाते हैं और चलते हैं. वहाँ पे देख गया अगर इसको रैप करना हुआ कपड़े से, उससे पेपर से, क्या ही बोल रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दिमाग मेरा पूरा फेल हो चुका है. एंड डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं, बैग ले लिया है, सब कुछ डन है. वहाँ पे चल के देखते हैं क्या होता है. 23 से ऊपर है दोनों का वेट अभी. इस पर मैं फिंगर्स क्रॉस कर रही हूँ कि हो जाए मेरा. एंड एक लैपटॉप बैग लिया है, एक मैंने पर्स, बड़े वाला पर्स जो जिसमें मैंने ठूसा था पहले भी सामान, उसमें फिर से ठूस लिया है. एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही बुरी हालत हो रखी है मेरी. लेट्स सी, वहाँ पे चल के देखते हैं अभी क्या होता है. अभी ये लॉक लग गया है और मैं अब ये कीज़ अपने बैग में डाल लेती हूँ. एंड कीज़ को भी संभाल के रखना ज़रूरी है. एवरीथिंग इज़ डन, अभी सिर्फ जाना है एयरपोर्ट पहुंच के, वहाँ पे जाके गेट देखना है, बैगेज होगा, चेक इन वगैरह. सो एंड एवरीथिंग इज डन नाउ. आई एम होपिंग कि वहाँ पे बैग में से कुछ भी निकालना ना पड़े हमें. दिस इज इट, लेट्स सी हम कब निकलते हैं. नाउ गो ना चेक माई आउटफिट, वो डाल के मैं आपको मिलती हूँ पहन के. ये मैं अपने टिफिन में करने वाली हूँ रोटी पैक साथ में. वहाँ पे पता नहीं क्या मिलेगा, तो पनीर की भुर्जी बन गई है, वो ही मैं पैक करने वाली हूँ. सो ये रहा मेरा पूरा आउटफिट. मैं नर्वसनेस हटाने के लिए ना एक्साइटमेंट दिखा रही हूँ. सो पूरी मेरी ब्लैक आउटफिट हो गई है, ऊपर से ये डाल लिया है एंड ब्लैक शूज़ क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा है. सो फटाफट से शूज़ डाल लेती हूँ, स्किन केयर करके निकलना है अभी घर से. सो आई एम ऑल रेडी, ऑल ब्लैक बन गई मैं. So, फ्लाइट मेरी अभी 1 बजे की है और चेक इन हो गया है 10 बजे एंड काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम बचा है. तो मम्मी पापा मेरे साथ हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाकी वेले हैं, कोई काम नहीं है हमें. अभी इमिग्रेशन में यहाँ पे मैं पासपोर्ट सिर्फ मुझे स्कैन करना है, सो उसमें भी कोई टाइम नहीं लगेगा. एंड आई एम होपिंग कि सब कुछ अच्छे से हो जाए आगे जाके भी. लेट्स सी. सिर्फ पासपोर्ट को स्कैन करना है एंड रश बहुत ज़्यादा है. यार मेरे घर वाले वहाँ पे खड़े हैं. सो बहुत ही सिंपल था, स्कैन हुआ और इमिग्रेशन डन. दुबई से जाने के फ़ायदे, मेरा बैग भी 24 kg का था, वो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा. एंड आई एम सो हैप्पी. पहले तो मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, मैंने जस्ट बाय बोला और मैं निकल आई, क्योंकि मुझे रोना नहीं है. सो नाउ वी हैव टू गो थ्रू दी ट्रेन्स. सो सभी गेट्स के लिए D1 to D32 सभी यहीं से जाएंगे. सो एवरीथिंग इज डन. मैं पागल लग रही हूँ क्योंकि सिक्योरिटी तक मैंने उन्होंने शूज भी निकाल दिए एंड कड़ा वगैरह पहना हुआ था तो वो सब कुछ खोलना पड़ा. कुछ पता भी नहीं चल रहा था मैंने क्या क्या पहन रखा है. एंड अभी बस गेट की ओर जाना है और 2 ट्रेन्स यहाँ से, पता ही है सबको, यहाँ पे 2 ट्रेन्स बदलनी पड़ती हैं. एंड एक्साइटेड, इंजॉइंग माय जर्नी. आगे जाके पता नहीं क्या होगा, सो जर्नी को इंजॉय करते हैं. सो ट्रेन आ गई.
फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग अलोन, बट मज़ा आ रहा है. मतलब पहली बार ही मैं ऐसे जा रही हूँ अकेले. एंड अच्छी कैसे जाती है जर्नी. वैसे तो मेरे साथ हमेशा जैस्मिन होती है, आज नहीं है. लेट्स सी. अभी मेरा D18 पता नहीं किधर है, और ऊपर जाते हैं बहुत चलना पड़ता है यहाँ पे. बोर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया. पहले इन्होंने जोन बना रखे हैं, लाइक जोन 1 जाएगा, 2 मेरा 4 है. देखिए मैं सो ही जाऊँगी क्योंकि नींद आ रही है, सुबह से लगी हुई है ऐसे ही. मेरा प्लान यही है वैसे तो, देखने के लिए भी है बट मेरा मन नहीं है कुछ भी करने का. Can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky. And I feel so lucky I met you. It's not magical the way I feel when you walk in the room. When you walk in the room, it's not optional. How gravity just pulls me right to you. आई एम इन एम्स्टरडेम. ऐसे ही घूम के देख रही हूँ, यहाँ पे इतना बड़ा और अच्छा एयरपोर्ट है. खाने के लिए देखती हूँ, वैसे मेरे पास खाना है. यहाँ पे बारिश हो के हटी, इतना प्यारा मौसम हो रखा है. मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू, बहुत ज़्यादा अच्छा है. मेरे बाल पूरे खिलारा पड़ चुका है. ये फैंटा मुझे अच्छा लग रहा है ऑरेंज का, बट बाद में पता नहीं क्या निकलेगा ये. डू हैव सम फ्रूट्स ले लेते हैं. तो मैंने जूस लिया है, ये मुझे $10 का पड़ा है, जो कि मैं लूट हो गई हूँ यहाँ पे. साथ मेरे पास खाना है, सो आई एम गोना ईट बेस्ट थिंग. साथ मैंने जूस ले लिया है. अगर मेरे पास खाना नहीं होता तो यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा महंगा सामान है यहाँ पे. Even the dark they still see light, even the birds still sing at night, every word just comes out right when I'm with. Lucky us, hame rainbow mila hai dekhne ke liye. Acha hoga hamare saath. Yahan pe mausam ka kuch bhi pata nahi hai, kabhi bhi barish ho rahi hai, kabhi bright ho raha hai. Bahut hi pyara mausam hai. Ye maine new friends banaye hain. Hi. Hi. ऑल टाइम विद एम्स्टरडेम. अभी हमारी फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है आगे की, मतलब बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है. सो या ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा भर चुका है, सारे स्टूडेंट ही स्टूडेंट हैं. एंड या Can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky. And I feel so lucky I met you. Spend my whole life waiting for someone like you, baby. Open the bagagebakken. Er kunnen spullen verschoven zijn en eruit vallen. And all these broken roses led to you. Spend my whole. So reached at टोरंटो पियर्सन. अभी इमिग्रेशन होगी, मेरे बिल्कुल अलग नहीं है व्लॉग बनाने की अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखा है. एंड यहाँ पे बारिश हो रखी थी, एम्स्टरडेम में भी बारिश हो रखी थी. एंड मैं पागल लग रही हूँ अभी इस टाइम पे. पूरी बस हो गई, लाइक बुरी हालत हो गई है. पूरी फ्लाइट में नींद भी नहीं आई. ऑल डन विद द बैगेज, लेट्स गेट आउट फ्रॉम हेयर. इतनी मोटी मैंने ये जैकेट पहन रखी है, इसमें मेरी बुरी हालत हो गई है गर्मी से. इमिग्रेशन इजी थी, एक घंटा लगा, एक घंटे ज़्यादा, बहुत ही स्मूथली हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एंड अभी मैं
घर जाके बनाऊंगी अपना रिव्यू। बाय। सो मैं पहुंच गई हूँ ब्रम्पटन, यहाँ पे मेरे दीदी रहते हैं, उनके साथ रहूँगी थोड़े दिन, उसके बाद देखते हैं कहाँ होता है। मेरा रहने का अरेंजमेंट अभी हुआ नहीं है एंड कॉफ़ी लेने गए हैं वो, मेरा बिल्कुल मन नहीं करा कुछ भी खाने का। मेरी शक्ल पे आप देख सकते हो मेरे पूरे 12 बज चुके हैं, मुझे सिर्फ बेड चाहिए। लाइक टांगें दुख रही हैं, मेरी पूरी हालत हो गई, पता नहीं कैसे लोग ट्रैवल करते हैं इतना इतना, मेरी तो बस हो गई है। या दैट इज इट फॉर द वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब मेरा यूट्यूब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है, अभी मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, रियलिटी हिट हो रही है। विश मी लक।